लक्ष्मण यादव जी, उत्तर प्रदेश में एक बड़े पॉलिटिकल कमेंटेटर से आज मेरी बात हो रही थी इसी मुद्दे पर। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरा कल्याण सिंह नहीं बनाना चाहती। आखिर कारण क्या है कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी योगी आदित्यनाथ तो बनाना चाहती है, राजनाथ सिंह बनाना चाहती है, लेकिन वो कल्याण सिंह नहीं बनाना चाहती, यानी पिछड़े वर्ग के नेता को उत्तर प्रदेश से उभरने नहीं देना चाहती। कारण क्या है इसका? अभिषेक जी, मैं इस पूरे सवाल को दीपक शर्मा जी ने जो पृष्ठभूमि दी है उसी से आगे बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनका मेन आर्गुमेंट देखिए क्या है, मैं उससे सहमत होता हूँ कि आप अगर राजनीति कर रहे हैं और उसमें भी जब आप सत्ता में होते हैं तो आपके पास मौका होता है आप नए नए भूमिकाओं के साथ नेताओं को सामने ले आते हैं। विपक्ष में भी ये काम होता है, विपक्ष में ज्यादा बेहतर होता है, लेकिन सत्ता के पास तो मौका होता है कि उसकी छवि को बदला जाए और बनाया जाए। यह काम जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसकी पृष्ठभूमि 2017 के चुनाव के पहले लिखी गई थी। उस पृष्ठभूमि में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर केशव प्रसाद मौर्य का नाम आगे बढ़ाया गया और उसके साथ साथ उन तमाम पिछड़ी जातियों को गोलबंद किया गया जिन्हें एक एक फेक नरेशन दिया गया था कि ओबीसी में सारा हक तो केवल यादवों ने ले लिया है, और जमीन पर इस बात को समझाने में भारतीय जनता पार्टी सफल रही और एक बड़े बहुमत के साथ लंबे वक्त के बाद उत्तर प्रदेश में वो सत्ता में काबिज होते हैं। इसके बाद लोगों को उस पूरे समय की बहसों को देखिए ना, सबको ये लग रहा था और खुद केशव प्रसाद मौर्य को ये लग रहा था कि वो मुख्यमंत्री के चेहरा हो सकते हैं, और खूब बात हुई, कहा तो ये जा रहा था कि वो मंदिर में पूजा भी कर रहे थे अपने यहाँ कि बस अब घोषणा होने वाली है और मुझे शपथ लेना है। रातों रात चीजें बदलती हैं, और जो दूसरा नाम उभर के आया मनोज सिन्हा का, उनके साथ भी एक छवि बनी हुई थी कि वो बहुत, जिन छवियों की बात अभी दीपक जी कर रहे थे, सहज सौम्य और एक खास किस्म की छवि जो लोगों को अपील। लक्ष्मण जी, दुनिया की सबसे खूबसूरत रिटायरिंग होम मनोज सिन्हा के लिए सुरक्षित कर दी गई, उन्हें भेज दिया गया वहां। अब बिल्कुल मैं वही आ रहा था कि छवियों के खेल में जो ज्यादा बेहतर छवि वाला था वो शिकस्त पा गया, और जिसकी छवि ही बहुत कट्टर की थी वो सबसे आगे आकर के मुख्यमंत्री बनते हैं। इसके साथ साथ बीजेपी और आरएसएस जो संदेश देना चाह रही थी वो उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश को देना चाह रही थी कि हमारा एक चेहरा हिंदुत्व का वो ऐसा होगा और उस छवि में हम नहीं जाएंगे, उस पर खूब चर्चा हो रही है। और उस 5 साल में आपने मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कुछ काम ऐसा करने देते कि वह व्यक्ति जिस तबके के वोट बैंक को साधने के लिए लाया गया है उस तबके को भी गोलबंद कर पाता। लेकिन हुआ क्या, किस्से तो बहुत चलते हैं, दीपक जी बैठे हुए हैं वो इन किस्सों की पुष्टि करेंगे कि एक बार मुख्यमंत्री जी के न रहने पर उन्होंने कुर्सी पर बैठने की हिमाकत की तो क्या हुआ, नेम प्लेट लगाया तो क्या हुआ, पर्सनल सेक्रेटरी जो रखा जाता है जिसमें कम से कम डिप्टी सीएम जैसे पद पर तो उनकी चले, उसमें नहीं चली। और प्रतीकात्मक रूप से अब तो किस्सा बन गया है, ये एक शगुफा बन गया है कि स्टूल मिल गया। अब तो मैं तो सोच रहा हूँ केशव मौर्या जी खोज रहे होंगे कि उस दिन वो स्टूल दिया किसने था। वो एक सामान्य घटना नहीं थी, वो प्रतीकात्मक रूप से ऐसी बन गई कि वो आज भी उनकी छवि से जुड़ गई है। हुआ ये, इसके साथ अशोक जी मैं 2 चीजें जोड़ना चाहता हूं कि आप जिस तबके के नुमाइंदे बन के आए उसी तबके के साथ जब अन्याय हुआ तब भी आप नहीं बोले। 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाले में, जिसमें योगी सरकार लगातार कहती रही कि कोई घोटाला नहीं हुआ है, चुनाव के ठीक पहले वो मान लेती है घोटाला हुआ और 6,000 एडिशनल सीटें ओबीसी कैंडिडेट को देती है, उस पूरे प्रकरण में आप कोई भूमिका नहीं निभाते हैं। तमाम जगहों पर जो प्रशासन का दमन था ओबीसी तबके के साथ, उस पर आपकी कोई भूमिका नहीं आती है। कोई काम आप अपनी नीतियों के जरिए भी ये कामयाबी से नहीं बता पाते हैं कि हमने देखिए आपके लिए काम किया अगर आपने हमें चुना है तो। ये सारी चीजें मिल करके एक नेता की छवि से ऐसी चिपकती हैं कि वह दूसरे कल्याण सिंह नहीं बन पा रहे। अच्छा, कल्याण सिंह से जो आपकी तुलना है अभिषेक जी, कल्याण सिंह तो उस जमाने के सबसे कट्टर नेताओं में एक हो गए थे, वो कोई ओबीसी वोट बैंक पर नहीं लड़ रहे थे, वो तो उनकी पिच पर यानी हिंदुत्व की पिच पर लड़ रहे थे,
और उन्होंने कहा कि जो भी करना हो, जो भी सजा हो, जो भी हो, वो कल्याण सिंह को मिले। तो सजा मिली उन्हें, बाद में बीजेपी ने उनके साथ क्या सलूक किया। सवाल ये नहीं है कि वो दूसरा कल्याण सिंह नहीं बनाना चाहते, सवाल ये है कि बीजेपी पूरे देश में जिस जमीन पर राजनीति करना चाह रही है, वही जमीन वो उत्तर प्रदेश है जिसमें अयोध्या, काशी, मथुरा तीनों है। इसलिए वहां जिस जमीन पर राजनीति हो रही है, जो चाहते हैं वो कि हिंदू बना मुस्लिम हो, धार्मिक ध्रुवीकरण हो, ये सब नहीं हो पा रहा है। और इसके चलते केशव प्रसाद मौर्य अब उस भूमिका में नहीं है, वो उतने कद्दावर नेता नहीं है कि जो ओबीसी की गोलबंदी अखिलेश यादव दिखा रहे हैं उसकी कोई काट पेश करते हुए बीजेपी की तरफ लोगों को गोलबंद करें। इसलिए मुझे लगता है कि उनको लेकर खुद भारतीय जनता पार्टी भी अब कोई बहुत गंभीरता नहीं दिखा रही है। ये मेरी टिप्पणी। सिंबल वर्सेस सब्सटेंस की बात आप कर रहे हैं, इस पर लक्ष्मण यादव जी ज्यादा बेहतर प्रकाश डालेंगे कि क्या वाकई सिंबल ज्यादा प्रभावी है इस चुनाव में या सब्सटेंस ज्यादा प्रभावी है। नहीं देखिए, दीपक जी ने जिस व्यवस्थित तरीके से इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डाला है, उस पर और क्या प्रकाश डाला जाए। बशर्ते की बात बिल्कुल ठीक है, और मुझे याद आ रहा है कि इस पूरे प्रकरण में जिस प्रोसेस की बात अभी दीपक सर कर रहे थे, मुझे लगता है कि पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी, जो अपने को दावा ये कर रही थी कि वो पार्टी विद डिफरेंस है, उसके भीतर सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं अगर किसी पार्टी के भीतर पालन की जाती है तो वो बीजेपी है, ये सारी चीजें थी। 2013-14 के आसपास वो भारतीय जनता पार्टी बदल चुकी है और उन्हें ये लग रहा है और उनकी उनकी गणना के मुताबिक इसमें वो कामयाब हैं कि वो एक या दो व्यक्तियों की छवि पर भी बहुत बड़े बड़े चुनाव जीत सकते हैं। छवियों का जो एक पैमाना केंद्र की राजनीति में स्थापित किया गया, उसके आधार पर राज्य की राजनीति मुकम्मल ढंग से आगे बढ़ रही है। अब उत्तर प्रदेश वह जमीन है जो बहुत गहरे तौर पर जुड़ी हुई है दिल्ली की सत्ता से, तो वहां भी आपने जिसको काबिज किया, उसे भी यह संकेत दिया जो खुद भारतीय जनता पार्टी के सदस्य तक नहीं थे, वो कभी आरएसएस से उनका कोई जुड़ाव नहीं रहा, लेकिन हाँ उनकी छवि ऐसी थी जिसको, अब कौन उसके पीछे था ये अलग बात है, लेकिन उनको प्रोजेक्ट किया गया। तो उन्होंने बाकायदे उसी पैटर्न को फॉलो किया जो केंद्र में उनके नेता कर रहे थे, वो एक या दो व्यक्ति को केंद्रित करके। अब इस समय वही बात देखिए ना, कौन विदेश मंत्री है, कौन रक्षा मंत्री है, वित्त मंत्री कौन है, उनकी उनकी खबरें या उनकी छवियां कब उभर के आती हैं पूरे राजनीतिक गलियारों में। तो ये जो कद कम करके एक कद को ऊपर करना है, वही काम उत्तर प्रदेश में भी किया गया, और पूरे 5 साल जो कुछ भी उत्तर प्रदेश में हुआ है वह एक व्यक्ति केंद्रित रहा है, और उसमें ये लोग तो खबरों से भी गायब थे। खबरों में केशव प्रसाद मौर्य तब आते हैं जब वो अपनी नाराजगी जाहिर करना शुरू कर देते हैं कि अगली बार मुख्यमंत्री कौन होगा ये तय नहीं है, विधायक दल की बैठक में तय होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, तो कमल के फूल के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। जिस शानदार तरीके से दीपक सर ने एक बिंब रचा है, और बिल्कुल ठीक है, ये केशव प्रसाद मौर्य भी अगर सुन रहे होंगे दीपक सर को तो और अफसोस हो रहा होगा कि वाकई हम 99 तक तो पहुंच ही गए थे। मैं इस पूरे प्रकरण को और देखना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि मतलब पहले के बीजेपी में भी ऐसा होता था। अभी आपने खुद बताया कि कैसे कैसे नए नेताओं को रचा भी गया है, फडणवीस को भी लाए, मनोहर लाल को भी लाए, शिवराज को भी लाए, खुद नरेंद्र मोदी अटल बिहारी और लाल कृष्ण आडवाणी की खोज है जिनको गुजरात भेजा गया था, इन लोगों की कोई जमीन नहीं थी। लेकिन इधर बीच क्या हो रहा है, ये जो मैं पिछली बार जो बात कह रहा था उसी से जोड़ रहा हूं अपनी बात को, कि इस समय बीजेपी एक रणनीति पर काम कर रही है। वो रणनीति ये है कि पहले क्या होता था कि वो छवियों से अपनी विचारधारा को इम्पोज करती थी, अब वो क्या कर रहे हैं कि वो कुछ ही लोगों की छवियों तक ठहर गए हैं और अपनी विचारधारा को केंद्र में रख करके काम कर रहे हैं। इसीलिए मुझे एक याद आता है इस पूरे प्रकरण में बातचीत करते हुए कि अभी हाल ही में जब चुनाव थोड़ा सा चुनावी माहौल गरमाया तो केशव प्रसाद मौर्य वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने ट्वीट किया
कि अभी अयोध्या झांकी है और मथुरा काशी बाकी है। क्या ऐसा कहीं ये संकेत नहीं होता कि इन नेताओं को या तो इसी काम के लिए रखा गया है कि आप वोट तो अपने तबके का ले आइए, लेकिन हिंदुत्व के चेहरे बनिए। कल्याण सिंह इतने मुखर चेहरे बने थे, अंत में उनका हश्र क्या हुआ, जाते जाते अंतिम दिनों में राज्यपाल बना दिया गया और वो चीज हुई, लेकिन ये जो हिंदुत्व में इस्तेमाल किया गया उस रूप में मुझे केशव प्रसाद मौर्य एक व्यक्ति नजर आते हैं जिनका इस्तेमाल हुआ और जो सबसे ज्यादा इस राजनीति के शिकार हुए हैं, जिनको अब लगता है कि अब बहुत उपेक्षित कर दिया गया। अब ऐसा तो नहीं होने वाला, दीपक सर बता पाएंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि अगर 22 में ये पूर्ण बहुमत में आते हैं और विधायक दल का नेता ये चुन लिए जाए। मुझे नहीं लगता, वो 99 वाला सांप जो काटता है ना, वो 10 की संख्या के नीचे राजाकरण पटकता है, अब ऊपर आना बड़ा मुश्किल।